तो चलिए आज हम बनाते हैं वनीला आइसक्रीम, और वो भी बहुत इजी वे में। तो इसके लिए हम सबसे पहले पैन में 2 कप फुल क्रीम दूध लेंगे और इसमें अच्छी उबाल आने देंगे। एक कटोरी में 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर लेंगे और उसे दूध के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फिर बॉयल दूध में इस घोल को थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और चलाते रहेंगे। चलाते रहने से गांठें नहीं पड़ेंगी। जब दूध गाढ़ा हो जाए तब उसे एक बाउल में डाल लेंगे। मैं शुगर पाउडर डालना भूल गई थी, तो मैंने इसे फ्लेम से उतारने के बाद गरम घोल में ही ऐड कर दिया। आप इसे जब दूध बॉयल होने लगे तभी ऐड कर लीजिएगा। घोल को थोड़ा ठंडा होने पर फ्रिज में चिल्ड होने के लिए रख देंगे। इसके बाद मैंने घर की ही फ्रेश मलाई ली, आप चाहो तो बाजार वाली भी ले सकते हो, इससे भी यह अच्छी बनेगी। फिर हम इसे बाउल में डालकर व्हिपिंग मशीन से व्हिप कर लेंगे। अगर आपके पास विस्कर हो उससे भी यह कर लेंगे। थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन हाथों की एक्सरसाइज भी हो जाएगी। जब क्रीम अच्छे से व्हिप हो जाए तब हम इसमें चिल्ड घोल को ऐड कर लेंगे। साथ ही साथ इसमें वनीला एसेंस के 5 से 6 बूंदे ऐड कर लेंगे और कुछ क्रस्ट ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर देंगे। फिर से इन सारी चीज़ों को हम व्हिप कर लेंगे। इसके बाद हमारा आइसक्रीम का बैटर बिल्कुल रेडी है मोल्ड में जाने को। फिर हम इसे एक लंच बॉक्स में पोर कर लेंगे। आप चाहो तो इसे आइसक्रीम मोल्ड या किसी भी छोटे बड़े कटोरियों में भी डाल सकते हो। घोल को पोर करने के बाद इसे टैप कर लेंगे और फिर इस पे कुछ क्रस्ट ड्राई फ्रूट्स और टूटी फूटी ऐड कर देंगे। इससे यह टेस्ट भी अच्छा बनेगा और देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा। इसके बाद हम बॉक्स को अच्छे से कवर कर देंगे। अगर ढक्कन ना हो तो भी हम इसे अल्मोनियम फॉयल या दूध वाले प्लास्टिक से अच्छे से कवर कर देंगे और इसे 6 से 7 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देंगे। 6 से 7 घंटे के बाद हम इसे फ्रीज़र से निकाल लेंगे और किसी प्लेट या ट्रे में पलट देंगे। अगर आइसक्रीम नहीं निकले तो बॉक्स को नॉर्मल पानी से एक बार धो लेंगे जिससे यह आसानी से निकल जाएगा। फिर इसे अपने पसंद से कट कर लेंगे और इसको सर्व करेंगे। इस पे थोड़े टूटी फूटी और ऐड कर देंगे। यह बहुत ही टेस्टी बना था गाइस, आप लोग भी इसको एक बार ट्राई ज़रूर करें। और इसी तरह की नई रेसिपीज़ के साथ मिलते हैं नेक्स्ट कुकिंग ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।